कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस कार्यालय में आज जो भारी तादाद में लंगोरोस के हमारे भाइयाँ जो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग हुए, ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। आज कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इंचार्ज हमारे उस्मान अदरी साहब का नेतृत्व में इतना हमारा बड़ा कैडर बढ़ रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कोई हलचल नहीं थी, उनके द्वारा चुनाव लड़ने के बाद में जब 5000 वोट इससे पहले 14 से पहले आने के बाद में 19 में लड़ने के बाद 20,000 की तादाद में जो चुनाव लड़ने के बाद में एक ऐसी उम्मीद लोगों से जगी भी है कि आने वाले दिनों में जैसा कि हमारे डिवीज़न को पकड़ो, 4 डिवीज़न को अभी भाई ने बोला, 4 डिवीज़न में जम के काम करें तो 4 डिवीज़न के कॉर्पोरेटर हम कांग्रेस पार्टी से ला सकते हैं। और आने वाले दिनों में या 27 हो या 28 में अगर चुनाव हुआ तो हमारे उस्मान अदरी MLA बनने के पूरे से पूरे चांसेस हैं। सभी जानते हैं कांग्रेस कारवां में आज एक नई तरीके से लहर बन चुकी है और इसी तरह जैसे कि हमारे रेवंत रेड्डी ने जब सभी को पता था कि यहाँ पे कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ होने के बावजूद भी रेवंत रेड्डी के साथ की मेहनत के उनके संघर्ष ने आज तेलंगाना में हमारी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनी है। वैसे भी सेंटर में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई यहाँ पे जो 54 का जो आंकड़ा है कांग्रेस पार्टी का वो 40 के आसपास भी नहीं आ सकता। आज ऐसी लहर राहुल गांधी की लहर में 234 उनके बलबूते में आज हमारा इंडिया गठबंधन बन चुका है और स्वयं राहुल गांधी के अपने संघर्ष ने 100 हमारे MP आज हिंदुस्तान में आज बने हुए हैं। आज ये गठबंधन जो NDA के जो बना हुआ है इसमें पता नहीं कितने हद तक ये आने वाले दिनों में चलने वाला है। अगर गठबंधन को लेकर चलने की क्षमता अगर है तो वह है इंडिया गठबंधन बने। इनको मिलीजुली सरकार चलाने का पूरा इनके पास उतना ज्ञान है तो मैं आज यहाँ पे जितने तादाद में हमारे पास भाइयाँ जितने भी यहाँ पे बैठे हुए सभी सीनियर और जूनियर को मैं मिला सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अपने अपने डिवीज़न में जैसा अभी भाई बोले जितने भी डिवीज़न है गुडी मलकापुर कारवान लंगोरोस और ये जियागुड़ा यहाँ से हमें एक अच्छी तरीके से वर्क करना है, सभी को लेके साथ चलना है। अगर हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी सभी धर्मों को लेके चलने वाली है तो वो है कांग्रेस पार्टी। तो इसी